Yo, anime lovers, 1041 is here. And to be honest, it was a mid chapter. Actually, mid बोलना गलत रहेगा. Chapter अच्छा था, ठीक है. Nothing was disappointing in this chapter. But ये chapter आगे के chapters के लिए hype बनाने वाला type का chapter था. And boy, जो purpose था main इस chapter का, वो इसने पूरा किया है. I, as well as many One Piece lovers, just like me, are hyped now for the future events regarding Luffy and Wano. So, for that, this chapter is a gem. Okay? Let's begin after this intro, which Wano se bhi zyada hyped hota hai. Phir se bola, okay? Let's begin! चैप्टर चालू हुआ है मोमो एंड यामाटो के कन्वर्सेशन से. बट बिफोर टॉकिंग अबाउट देम, मैं राइजो वाले के बारे में थोड़ा बात करना चाहता है. राइजो जीत गया फुकुरोकुजी से, नॉट एट ऑल सरप्राइजिंग. बट हाँ, राइजो ने जो जिम्बे को बोला कि प्रिपरेशन इज कंप्लीट शिट, उसका क्या मतलब है? क्या राइजो कुछ सरप्राइजिंग करने वाला है अभी? और अगर हाँ तो क्या? आई एम समवॉट क्यूरियस अबाउट इट. राइजो से मेरे को कोई बहुत उम्मीद नहीं है, बट फिर भी लेट्स सी क्या होता है. और हाँ, जैसे मैंने पहले प्रिडिक्ट किया था, फ्रैंकी ने एकदम क्लीशे वे में जोरो को एंड मौके पे बचा लिया. एक्चुअली ये चीज़ मैंने ही ओडा को बोला था कि ऐसे टाइप से सीन दिखाना, मतलब ये वाला सीन दिखाना, ताकि तुम सबको यकीन हो जाए कि मैं एक्चुअली में ओडा से बात करता है. मेरी औकात तुम लोग से बहुत ज़्यादा है बे. वेल, ओरोची इज गोना पे फॉर हिज डीड सून भाई. भाई मज़ा आया वो चीज़ देख के एक्चुअली मेरे को. वैसे हियोरी और ओरोची के पूरे सीन को देख के मेरे दिमाग में बहुत बढ़िया आइडिया टाइप्स आया, मतलब कि समथिंग रिलेटेड टू फ्यूचर, जो कि मैं तुमको बताता है आफ्टर टॉकिंग अबाउट यामाटो मोमोनोसुके एंड ज़ुनिशा और बाकी सब चीज़ों के बारे में भी. ठीक है, मैं तुमको बताता है वो. और हाँ, ईजो ही डिड अ गुड वर्क. यस, मैं ईजो के बारे में अच्छी बातें कर रहा है. ठीक है, मतलब फर्स्ट टाइम मैं ईजो के बारे में कुछ अच्छा बोल रहा है. ठीक है, एक सीपी के मेंबर को लेके डूबा वो, जो कि बढ़िया था, अच्छा लगा मुझे इसको देख के. और ड्रेक फिर से उड़ गया, नाइस. व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम सेक्स ड्रेक. अब थोड़ी यामाटो चान और मोमो लमड़े के बारे में गुफ्तगू करते हैं. अ ब्रीफ कन्वर्सेशन बिटवीन यामाटो और मोमो दिखा है अपने को, बेसिकली टॉकिंग अबाउट वानो को फ्री करना ज़रूरी है कि नहीं, ऐसा वैसा. वैसे मोमो ने यामाटो को बताया कि ज़ुनिशा ने उसको बोला कि वो वानो आई है लड़ने के लिए. सो ज़ुनिशास इंटेंशंस एंड मोटिव्स आर कन्फर्म्ड. अभी तक अपन अज्यूम कर सकते थे, बट अब एज अ फैक्ट अपन को पता चल गया है कि क्या रीज़न से ज़ुनिशा आई है वानो. मोमो का थिंकिंग मेरे को जस्टिफाइड लगा. उसका इस चीज़ पर ओवर थिंकिंग करना कि वानो को एक्चुअली में ओपन करना चाहिए कि नहीं, इज प्रीटी नॉर्मल कंसिडरिंग कि वो अभी भी 7 साल का दिमाग लेके घूम रहा है, उड़ रहा है सुख से. और ही इज थिंकिंग अबाउट दिस बिकॉज उसको क्या, अपने को भी नहीं पता कि वानो के ओपन होने के बाद क्या होगा उसका. वैसे सम ओवर मैच्योर्ड वन पीस फैंस जो बोलते थे कि वन पीस अब सेम नहीं रहा, फॉर शेडविंग के नाम पे ओडा घू करते हैं, ऐसा वैसा. मस्त चमाट मारा ओडा ने उनके मुंह पे एक बहुत बढ़िया फोर शेडविंग करके, जो कि 70 चैप्टर्स पहले ही हो गया था. मोमो ने जिस पेजेस के बारे में बात किया, जो कि ओडन के जर्नल से किसी ने फाड़ के निकाल दिया, ये वही पेजेस है फॉर श्योर जो कि तोकी ने मरने से पहले डिस्ट्रॉय किया था. विच कन्फर्म्स वन मोर थिंग कि तोकी को लॉफ्टेल में क्या है ये पता था. एंड टोकी का एकदम 20 साल फ्यूचर में अकाजा को भेजना वॉज नॉट एट ऑल अ मेयर कोइंसिडेंस. ये चीज़ हम लोग अभी तक अज्यूम कर रहे थे, बट अब ये एज अ फैक्ट हम बोल सकते हैं. टोकी किसी रीज़न से 20 साल ही फ्यूचर में मोमो और बाकी फुद्दू लोग को भेजी. यू नो व्हाट आई मीन बाय फुद्दू लोग, राइट. एंड यहाँ पे एक और जो चीज़ आता है वो ये है कि लॉफ्टेल में जो भी है वो टोकी नहीं चाहती कि किसी और को पता चले. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आरवी, रूफी और मैंने अपने टट्टी कोलैब में बोला था, वैसा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि लॉफ्टेल में देर इज़ अ बिग पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन. और अगर अपना थ्योरी एक्चुअली में सही होता है, फिर तो लॉफ्टेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, एज लॉन्ग एज वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी किसी और वे में पता चल जाए. विच एक्चुअली एक्सप्लेन्स कि क्यों टोकी ने उन पेजेस उर्फ द इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय किया. अगर तुमने वो थ्योरी नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना, ठीक है. एंड आई गेस अपना जो पूरा थ्योरी था वो एकदम परफेक्ट वे में फिट होता है स्टोरी में. एंड टोकी का ये पेपर्स को डिस्ट्रॉय करना शिट एक्चुअली हेल्प्स इन मेकिंग अर थ्योरी मोर बिलीवेबल. इस पर बहुत बात कर लिया, अब बात करते हैं अबाउट CP0. CP0 ईजो का फाइट हुआ, और ये फाइट दिखा तक नहीं अपने को ढंग से. बस इतना पता चला कि मेन लीडर के साथ जो लंबा वाला CP0 का मेंबर था वो हार गया है. वैसे मुझे एक बात बताना, तुम्हारे हिसाब से अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा किसकी लगी पड़ी है? डू कमेंट्स बिलो, क्योंकि आई वॉन्ट टू नो योर ओपिनियन.
मेरे हिसाब से CP0 की, क्योंकि भाई जो प्रेशर दे रही है गोरोसेज इन पे, मतलब जो भाई इतना प्रेशर आ रहा है इन पे, इतना प्रेशर पड़ रहा है इन पे, ये लोग भी सोच रहे होंगे कि नौकर है तो कुछ भी करने बोलेगा क्या भाई। लूफी को मारने का ऑर्डर दे दिया गवार गोरोसेज ने, वो लूफी को जो कि काइडो से लड़ रहा है भाई, और सीपी का हेड जो गलियाया इसको सुन के एकदम पैनिक बाजी, एकदम मस्त लगा इस बंदे का रिएक्शन देख के। ऐसे ही लगे पड़े हैं गोरोसेज ने और ऊपर से हक दिया इन पे। एंड यस, अबाउट ओरोची एंड हियोरी, हियोरी रिवील्ड हर आइडेंटिटी, और इस सीन से रिलेटेड ना मेरे को एक दिमाग में कुछ आया, एक्चुअली कम टू थिंक ऑफ इट, इस टॉपिक पे मैं एक अच्छा खासा थ्योरी वीडियो बना सकते 5-6 मिनट का, सो आई गेस आई विल डू दैट, सो वेट फॉर फ्यू डेज एंड न्यू थ्योरी वीडियो कमिंग सून। एनीवेज, होप करते हैं कि ओरोची को जल्द हियोरी काट दे, एकदम मस्त मजा आ जाएगा देखने में ऐसा टाइप का सीन। ओरोची का तो वैसे मूत निकल गया भाई हियोरी का रिवील सुन के। और हाँ, उसोप लोगों ने भी किनेमोन किकू को बचा लिया है, कोई तो मर जाओ बे यार, आई एक्चुअली वॉन्टेड दिस टू डाई, ठीक है, बट क्या बोले भाई ओडा। ओनिगश में बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है अभी के टाइम पे, इतना तबाही जो हो चुका है। ज्यूस वाला सीन दिखा है जहाँ पे वो थोड़ा सैड हुआ बिग मॉम के डिफीट को लेकर, बट नामी ने अपना डोमिनेंस से उसके उस सैडनेस को एक सेकंड में हटा दिया, नामी सुप्रीमेसी। लॉ किड एज एक्सपेक्टेड हिल भी नहीं पा रहे हैं, विच इज़ गुड, स्पेशली इन लॉस केस। लास्ट अटैक बोल के भाई 6-7 अटैक कर चुका है वो ऑलरेडी। अरे हाँ, मार्को, मेरे को एक्चुअली मैं जानना था कि मार्को कर क्या रहा है अभी। इट सीम्स कि वो कोमाचियो को हील कर रहा था, कोमाचियो मतलब वो येल्लो कुत्ता, और उसको हर्ट किसने, आई गेस उल्टी ने उसको हर्ट किया था, तो उसको हील किया मार्को। एंड यस दैट्स ऑल, अभी पता नहीं मार्को अब क्या करेगा, ही वॉन्ड लिटिल बिट, ठीक है, बट ठीक है। एंड नाउ लेट्स कम टू द पार्ट जो कि क्रेजी हाइप क्रिएट करने का काम किया है सभी के लिए, काइडो वर्सेस लूफी। एज यूजुअल, एक मिनट यार, मैं कितना क्रिंज किया ना अभी। एज यूजुअल इन्फ्यूजन वाला क्लैश करते हुए दिखे हैं ये दोनों। काइडो को ऑब्जर्वेशन हाकी की हेल्प से पता चल गया कि बिग मॉम हार गई, एंड बॉय ही एक्चुअली क्राइड फॉर हर। और काइडो के रोते टाइम जो कॉन्करर हाकी रिलीज हुआ उससे लूफी फेंका ही गया भाई, जो कि इतना फनी लगा मेरे को। एंड एट द सेम टाइम ओडा अगेन टोल्ड अस इनडायरेक्टली कि मुन्ना अभी भी काइडो ही लूफी से स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मेरे को पता है भाई कि ये चीज़ को बहुत लोग एज अ फैक्ट कंसिडर करेंगे ही नहीं, और करेंगे भी कैसे भाई, मतलब जब लूफी सामने स्नेकमैन जैसा कुछ करते हुए दिखेगा, उसमें भी एक न्यू अटैक, तो भाई सब तो लूफी को ही बोलेंगे ना भाई, जीतेगा। गोमू गोमू नो हाइड्रा डायनामो, मस्त भाई, मस्त लगा मेरे को ये अटैक, ठीक है, मतलब भाई कस के कॉन्करर साथी के इन्फ्यूज्ड पंचेस वाइल बींग इन स्नेकमैन फॉर्म। लूफी का ये पंच एकदम डिट्टो को भी वो पंच के जैसा दिखता है जो रूफटॉप में वापस आने के टाइम पे मारा था लूफी, याद है ना, जब यामाटो लूफी साथ में अटैक किए थे काइडो पे और काइडो गिर गया था, फिर तुरंत ड्रैगन बन गया था। मेरे को याद दिलाना पड़ गया, हर चीज़ नहीं दिलाऊंगा, पक तुमको याद होगा, मुझे पता है। सेम टू सेम पंच भाई, एकदम डिट्टो कॉपी। बट हाँ, इस बार लूफी ने एक नहीं बल्कि गैटलिंग ही कर दिया पंचेस के नाम पे। मेरे को याद है लूफी के एडवांस आर्मामेंट हाकी वाले पंचेस को खा के काइडो इतना पेन फील किया था कि नेक्स्ट अटैक को, मतलब नेक्स्ट लूफी के अटैक को उसने लिटरली डॉज किया था। और सेम वे में एक और बार काइडो पंचेस खा रहा है, बट स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ पंचेस भाई, मतलब कॉन्करर हाकी इन्फ्यूज्ड पंचेस। मैन भाई, काइडो का रिएक्शन क्या होने वाला है इसके बाद, आई वॉन्ट टू सी इट। एंड आई गेस जो लोग भी गियर 5 और अवेकनिंग वाले चुतिया आपसे ऑब्सेस्ड थे, वो लोग को आंसर मिल गया है कि कोई गियर 5 और अवेकनिंग नहीं होने वाला है, ये फाइट खत्म होने वाला है जल्दी, लूफी जीतने वाला है, वो जीत भी जाएगा देखना। और लूफी खुद भी बोल दिया ना कि अब वो नहीं रुकेगा जब तक वो मरा नहीं जाता, मतलब थक नहीं जाता, रुक नहीं जाता, एंड ऑल यू नो। तो कंसिडर दिस हाइड्रा एंड स्नेकमैन एज द फाइनल ट्रम्प कार्ड ऑफ लूफी। ट्रम्प कार्ड से याद है, वैसे ये चीज़ मेरे को बहुत पहले से बोलना था बट अभी मैं जाके बोल रहा है, ठीक है। ट्रम्प कार्ड से मेरे को एक चीज़ याद है कि अगर काइडो अभी हारता भी है तो भी आई थिंक कि उसके पास अवेकनिंग एज अ ट्रम्प कार्ड होगा, जिसमें शायद वो एकदम अनकॉन्शियस होकर सबको पेले, जस्ट लाइक हाउ वो इम्पेल टाउन में अवेकंड सांड राइनो लोग पेल रहे थे सबको। मतलब भाई सोचो, काइडो भाई एकदम अंधा बिना किसी को देखे बस डिस्ट्रक्शन कर रहा है भाई, सोचो भाई पागल, भाई लिटरली पागल हो जाएंगे भाई, इतना मजा आएगा उसको देखने में। वेल दैट इज जस्ट अ प्रेडिक्शन।
नेक्स्ट वीक ब्रेक नहीं है, तो एक्साइटेड फॉर लूफी वर्सेस काइडो फाइट, चूंकि मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में दिखाएंगे। एंड राइसो के लिए मैं थोड़ा सा एक्साइटेड है, जल्दी थ्योरी बढ़ाने लगा, ठीक है, जो मैं अभी बोला ना इस वीडियो में जो बताया मैं, वो छोटा सा थ्योरी है बट मैं बताने वाला जल्दी, ठीक है, लाने वाला इस पर वीडियो। एंड दैट्स इट, ये वीडियो होता है ख़त्म। वैसे तुमको पता है कि अभी लास्ट वीक जब वन पीस ब्रेक पे था तब मैंने बिलीबिली कॉमिक्स से कॉमिक्स रीड किया, और बिलीबिली कॉमिक्स में ना बहुत बढ़िया आर्ट स्टाइल वाले कॉमिक्स है जिनको तुम एकदम फ्री में रीड कर सकते हो विदाउट एनी एड। डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में लिंक मिल जाएगा, तो डू चेक इट आउट, ठीक है यार, कितने बार बताऊँ, कर लो एक बार चेक, ठीक है। बस अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, तो एक मिनट, मैं बहुत जल्दी बोला यार, तो अब नेक्स्ट वीडियो में सुनने मिलेगी, तो बाय बाय। お前はもう